नमस्कार, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी चंडीगढ़। साल 2019 जहां तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव तैयार हैं, जी वो राज्य हैं महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि हरियाणा के अंदर अक्टूबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में चुनाव करवा दिए जाएंगे, वोटिंग हो जाएगी। और खबर ये भी आ रही है कि यहाँ मतदान एक ही चरण में होंगे और जैसा कि दिवाली से पहले जो चुनाव का रिजल्ट है वो आ जाएगा और ये देख लिया जाएगा कि दिवाली कौन सी पार्टी मनाएगी। जी हाँ, और अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव 2014 की, तो ये विधानसभा चुनाव 2014 20 सितंबर को इनका जो कार्यक्रम था वो चुनावों का घोषित हो गया था और 15 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और उसके चार दिन बाद 19 अक्टूबर को चुनावों की मतगणना हो गई थी और 23 अक्टूबर को जो विजेता था चुनावों का वो घोषित हो गया था, यानी कि भाजपा ने सरकार बना ली थी। जी, और इसके अलावा बात करें हम विधानसभा चुनावों के पिछले और अब की बार मतदाताओं की, जो 2014 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव थे उनमें जो संख्या थी 1,63,03,742 थी और वही जो संख्या है वो अब जाके हो गई है 1,82,98,714। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की जो संख्या है वो बड़ी है और ये भी आप कह सकते हैं कि वोटर जो नए जुड़े हैं और जो वोटर जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हुए थे मनोहर लाल सरकार के प्रयास से उन लोगों ने भी अपनी वोट्स बनवाई हैं। जी, तो अब ये देखना होगा कि भारतीय चुनाव आयोग की मीटिंग चल रही है और उसमें ये फैसला आने वाला है कि अब नॉमिनेशन की तारीख क्या होगी। जी चलिए, इतना ही और मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, मैं हूँ पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।